वीकली हॉर्स्कोप प्रिव्यू वीक को मैंसिंग है सत्ताईस सितंबर से लेकर तीन अक्टूबर तक इस प्रिव्यू के अंदर हम एक पार्ट आपसे शेयर करते हैं कंक्लूजन पार्ट वन जो प्रीमियम कंटेंट है उसके अंदर हमारे सिक्स पार्ट हैं पहला पार्ट है ट्रांजिट ऑफ मून फॉर द होल वीक वो चंद्रमा का गोचर पूरे वीक के लिए उसके बाद है कंक्लूजन पार्ट वन कंक्लूजन पार्ट टू उसके बाद है uh, उपाय टास्क के रूप में उपाय प्रिकॉशंस क्या आपको नहीं करना चाहिए और चैंटिंग कौन सी मंत्र साधना इस, इस आने वाले वीक में आप उसकी उपासना करके स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने आप को और लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सहायता ले सकते हैं अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट कंप्लीट कंटेंट के लिए उसमें तो सिक्स पार्ट है जो हमारा वीकली हॉर्स्कोप है ये अप्लाइड हॉर्स्कोप है ये कल भविष्यवाणी नहीं है इसमें उपाय पद्धति है प्रिकॉशंस है चैंटिंग है इसके अंदर आप एप्लीकेशन पूरी इसमें है इसमें अगर आपको लगता है कि ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इतना अच्छा नहीं तो उसके लिए जो उपाय पद्धति है या टास्क है जो प्रिकॉशंस है चैंटिंग है उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर रिजल्ट और जो अप्लाइड हॉरोस्कोप है ये ये नहीं कि अहले के लिए भविष्यवाणी बताई जा रही है लेकिन हाँ कंप्लीट हॉरोस्कोप की यहाँ प्रिव्यू में नहीं है इसमें एक ही पार्ट आपसे शेयर किया जा रहा है कंप्लीट हॉरोस्कोप आप ले सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाके प्रकाश ऑस्ट्रोलॉजर डॉट कॉम वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें ये अप्लाइड हॉरोस्कोप है लेकिन प्रिव्यू के अंदर एक ही पार्ट शेयर किया जाएगा कंक्लूजन पार्ट वन लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अंत अं तक देखें क्योंकि तो जो लास्ट पार्ट होता है आपके हॉरोस्कोप के अंदर प्रिव्यू के अंदर भी उसमें ये बताया जाता है कौन से ऐसे प्लानट्स हैं उसके लिए क्या आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है क्या आप किस पर्टिकुलर प्लान की वजह से वनरेबिलिटी बन सकती है आप फ्रजाइल हो सकते हैं आपके इश्यूज़ आ सकते हैं और उस पर क्या आपको करना चाहिए वो हर प्रिव्यू के आखिरी पार्ट के स्टेटमेंट सपोर्टिंग स्टेटमेंट प्रिव्यू की वो होती है उसको ज़रूर सुने जल्दबाजी ना करें छोटा सा वीडियो है इसको आप पूरा देखें तो उसको पूरा इन्जॉय कर सकते हैं इसमें पूरा तो आपको एक मैसेज मिलेगा आप सबके लिए कंक्लूजन पार्ट वन इस आने वाले वीक के अंदर बहुत प्रिपेयर हैं अपने आप को टी डी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करके रखे बहुत सारे चैलेंजेस को सिचुएशन को सामना करना पड़ेगा आपकी क्रिएटिविटी आपका इंथूजियाजम आपकी फैमिली सपोर्ट आपके लिए बहुत बड़ा एसेट है आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपनी जितनी पेशेंस है उसको जितना पेशेंस आप ज्यादा रखेंगे टॉलरेंस ज्यादा करेंगे लिसनिंग ज्यादा करेंगे उतनी आपको फायदे होंगे और उतना आपको लोगों का साथ मिल जाएगा जितना आप चीखेंगे चलाएंगे उतनी मुसीबतें बढ़ेंगी बहुत सारी ऑकवर्ड सिचुएशन से डील करना पड़ेगा लेकिन तमीज से डील करें खर्च आपका बहुत ज्यादा होगा लग्जरीज पे लाइफ पे फैमिली आर्गुमेंट शुरू ना करें घर में झगड़ा ना करें अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं अपने हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें टॉरस ये आने वाला वीक केतु की पोजीशन सप्तम तो भाव में है पर पर्सनल रिलेशनशिप में सावरनेस ना आ जाए परसन प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कड़वाहट ना आ जाए चंद्रमा राहुल लगन में है अपनी सोच को दिशा दीजिए एल्यूजन कन्फ्यूजन से बचें किसी डिप्रेशन से बचें नेगेटिव एटीट्यूड से बचें जेलसी से बचें सूर्य मंगल पंचम भाव में है एनर्जेटिक बहुत होंगे टेम्पर को थोड़ा कम करें मरकरी वीनस सिक्स हाउस में है रिलेशनशिप के अंदर बड़े इशू हो सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा अच्छा करें पर्सनल रिलेशनशिप पे कोई दरार ना आ जाए थोड़ा ध्यान रखें बृहस्पति शनि नौवें घर में है बड़े बुजुर्गों का उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें वो किसी बहुत बड़े वरदान से कम ना होगा अगर आप चाहें कंप्लीट विक्लोरस्कोप की रिपोर्ट जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश कंप्लीट वीकली कॉम कंप्लीट की रिपोर्ट लें उसको

उसमें से बाहर निकले प्रिकॉशन में ऐसा कुछ ऐसा आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़े ना मंत्र साधना का प्रयोग करके आप अपनी सुप्रमेसी को या स्परिचुअल हेल्प लेके आप अपने लक्ष्य को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता ले सकते हैं अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट प्रकाश ऑस्ट्रोलॉजी डॉट कॉम कंप्लीट वीकली हॉरिस्कोप की रिपोर्ट लें उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट